गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम शो। मैं ऋतिका आज के ब्लॉग के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज का दिन बहुत ही खराब और हेक्टिक रहा। हेलो गाइस, हम लोग पहुँचे हैं आज खेतान मार्केट ज्योति की शॉपिंग करने के लिए। और ये रही मैडम, ये बदलने की ट्रेजेडी हो गया। मेरे जो पजामे थे वो नीचे से स्कूटी में फंस के थोड़ा फट गया है, तो अब जा रही, बहुत फट गया है, तो मैं जा रही हूँ उसको चेंज करने के लिए। तभी कुछ लीक या इसके चलने में कॉन्फिडेंस आएगा। देखो ना, ऐसा पजामा लिए हैं। अच्छा, ट्रेजेडी ये हो गया कि हमने जो पजामा लिया वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। मुझे लेगिंग्स लेना पड़ा। अब लेगिंग्स भी दिखाओ। लेगिंग्स भी रहा, काफ़ी प्यारा है, फ्लेक्सिबल है। उसके बाद वो पजामा रिटर्न करके मैंने उसका एक्सल साइज दिया, मैं काफ़ी मोटी हो गई। अब जा रहे हैं हम लोग चूड़ी मार्केट, खेतान मार्केट का काम हो गया है, अब जा रहे हैं चूड़ी मार्केट, अब वहाँ से शॉपिंग बाकी है। ये रही बीना और ये रही ज्योति। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो, मैं अपना फिलॉसफी देता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मैं अपना फिलॉसफी देता हूँ। शादी के बाद एक स्त्री का रिबर्थ होता है, एक लड़की से औरत के तौर पे नया जन्म होता है, इसलिए हैप्पी बर्थडे भाभी। हैप्पी बर्थडे फिर हम पहुंचे ज्योति का ज्वेलरी खरीदने को, लहंगे की मैचिंग वरमाला के लिए। हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे, बट हमें जिस स्टोन में चाहिए था, लाइक हमें कुंदन स्टोन में चाहिए था, तो हमें ये ज्वेलरी सेट पसंद आया। सो ज्योति ने उसे ट्राई करा, उसका टीका भी काफ़ी प्यारा था, लॉन्ग भी था, और जैसा हमें चाहिए था वैसा ये ज्वेलरी सेट था। तो उसने पहन के देखा तो काफ़ी खूबसूरत था। आप लोग भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका लहंगा का ज्वेलरी सेट जो था ग्रीन कलर का, वो कैसा लग रहा है आप लोग को। तो फाइनल लुक इसका ये रहा नथ पहनने के बाद। तो नथ भी काफ़ी इसका लाइट वेट था, क्योंकि अगर ज़्यादा हेवी रहता है नथ तो नाक जो है उसका शेप जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, तो ये काफ़ी लाइट वेट था, वो भी अच्छा लग रहा था और कैरी करने पर। ये इसका फाइनल लुक है ज्वेलरी का, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। खुद को मिरर में निहारती हुई राजकुमारी ज्योति। उसके बाद आए हैं चूड़ी मार्केट में, अब यहाँ से बहुत सारे सामान ले, क्योंकि ठंड का टाइम है और अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसलिए हम लोग फटाफट कोशिश कर रहे हैं कि शॉपिंग अपना कंप्लीट कर पाए। आज बैंक के काम से भी आई थी, वो भी नहीं हो पाया, कुछ और काम से आई थी, वो भी टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया और हमारी कुछ उतनी शॉपिंग भी नहीं हो पाई, जो थोड़ी बहुत थी वही हो पाई, और तो एक मिला भी नहीं कुछ वैसा। और मेरे मूवी से पजामा फटने की वजह से बहुत पंगा हो गया, मूड भी ऑफ हो गया। तो हम लोग निकल के वापस जा रहे हैं जहाँ पे हमारे भाई साहब सब लोग हैं, बस का मज़ा लेते हुए। के बाद हम लोग निकले बस से, काफ़ी टाइम बाद हम लोग बस से ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो भी लगेज लेके सब भाई लोग जो है वो चला गया था गाड़ी लेके, क्योंकि ट्रैफिक में गाड़ी बहुत ज़्यादा फंस रहा था, इसीलिए वो लोग कंकड़बाग निकल चुका था और हम लोग भी खेतान से कंकड़बाग के लिए निकल गए और पहुँचे उन लोग के पास जहाँ वो लोग था। फिर हमें लगी जोरों की भूख, तो हम लोग निकले वहाँ से बटीडो के लिए। मैं बंटी के साथ स्कूटी पे, हर्षराज अपनी बाइक पे और ज्योति ससी के साथ बाइक पे। फिर हम लोग पहुँचे बटीडो और वहाँ पे हमने अपना अपना खाना का ऑर्डर दिया, और ये तब तक ज्योति और ससी भी आ चुके थे बुलेट से। यहाँ पे सब डिस्कस करते हुए कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, खाने पीने के मामले में भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है, भूख जोरों से लगी है, देखते हैं क्या खाएंगे। किसके हाथ में? आज हर्षराज का भी दिन खराब है, आज मेरा भी दिन खराब है। एक इसका शूज फटा, ऊपर से इसका चश्मा टूटा। हर्ष, चश्मा कितना महंगा था? महंगा कितना था, उससे फर्क नहीं पड़ता, पिताजी का था उससे फर्क पड़ता है। अरे 100 रुपया का भी डाटा, 3000 का पापा का चश्मा तोड़ दिया। खैर इसकी गलती नहीं है, वो पोल जो आप देख रहे हैं उससे टकरा गया बेचारा, उसमें टूट गया। और मेरा तो यही हाल है, पहन के कुछ और आई थी, पहन के कुछ और जा रही हूँ। और ये मेरा बंदा है सोमा, कल पूछेंगे ऑफिस वाले, करना पड़ेगा आज, रखिए हम ऑफिस वाले पूछेंगे।
ऑफिस में पूछेंगे। और ये लोग चर्चा एज यूजुअल चर्चा करते हुए। अरे बंटी तुमसे क्या बोला? एक्चुअली हम लोग ले लिए हैं बट अभी रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्राइडल लहंगा जो है वो उसी दिन देखना चाहिए क्योंकि उस दिन स्पेशल रहेगा देखने का। पहले से वो लहंगा नहीं दिखा सकते हम लोग, इसलिए आज हम लोग लहंगा दिखा रहे हैं। बेचारा भूख का मारा पैर से भी डैमेज है, काफी मिलता जुलता है कलर। क्या ज्योति का लहंगा और इस लड़की को तारते हुए ये शशि महाराज यहाँ बैठे ना। इसको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिख रही थी उसमें। हाय हाय हर्षराज वो देखो, मेरा भी कुछ इसी टाइप में था। तेरा क्या है बंटी? क्या? तेरा क्या है? मेरा है। थैंक यू। तू कह रहा है मेरा क्या है? मेरा बुगड़ है। डिफरेंस नहीं है। मेरा बुगड़ है, बुगड़। क्या? नहीं। बंटी बोल रहा है कि हमारा भैया आजकल बहुत स्मार्ट दिखने लगा है। है। अच्छा तुम हो? बंटी का बर्गर, मेरा शोरमा, सेंट्रल कहाँ है बंटी? ज्योति का पॉपकॉर्न। सेंट्रल कहाँ है बंटी? अरे हमको मतलब क्या? तेरा क्या है भाई खाने का? फिर हम पहुंचे शशि के यहाँ आंटी से मिलने और ये रही आंटी। फिर हम लोग के लिए वो पोई का पकौड़ा बनाए जो कि मेरे पति का मोस्ट फेवरेट डिश है और हम सब ने पोई का पकौड़ा खाया। और उसके बाद फिर वहां से मैं और ज्योति घर के लिए निकल पड़े।